बन रहा है मटन शामी कबाब। ये इंग्रेडिएंट्स कार्ड शो कर दिया है मैंने क्वांटिटी के साथ। अब चलते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 कप चने की दाल को अच्छे तरीके से धो लिया था और इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और 3 पाव कीमा ले लिया था, इसको अच्छे से धो लिया था मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट हरी मिर्चियों के साथ मैंने बना लिया था इसका पेस्ट। आप चाहे तो अलग अलग बना लें, मैंने एक साथ बना लिया था। 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के मैंने काट लिए थे और छोटे साइज़ के 2 अदद टमाटर भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। नमक मिर्च हसबे जायका, लेकिन मैंने शो कर दिया है कार्ड में। लाल गोल साबित मिर्च है, काली मिर्च और ये लौंग है, ये सब साबित मसाला ले लें, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ज़ीरा और सूखे धनिया का पाउडर है ये। बड़ी इलायची और दालचीनी का पाउडर मैंने स्मॉल क्वांटिटी में ले लिया है, रेसिपी कार्ड में आप देख लें। अब चलें फर्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमारा पहला स्टेप हम लेने लगे हैं। ये जितना गरम मसाला साबित है इसको हम ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। गरम मसाला है ये सारा साबित जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ज़ीरा पाउडर धनिए का और ये गोल मिर्चें, सब चीज़ों को हम लोग जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। अब टमाटर का भी और प्याज का भी पेस्ट बना लेंगे। ये सब चीज़ें, एक तो हमारा टाइम बचेगा और दूसरा ये आसानी रहेगी कि जब हम इसको पीसेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी। 4 से 5 गिलास या 6 गिलास पानी ले लें एक बर्तन में, उसमें चने की दाल ऐड कर दें। चने की दाल ऐड करने के बाद बाकी जो सारे मसाले जिसका वो भी सब ऐड करें। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, आप अपने जायके के मुताबिक भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। सूखे धनिया का पाउडर डाल दिया मैंने, नमक और मिर्च डाल दिया, नमक मिर्च भी हो गया। अब इसके साथ जो है वो बाकी मसाले जो है मैंने रखे हैं उनको भी ऐड कर दूंगी। प्याज टमाटर का पेस्ट और जितने भी गरम मसाले साबित मैंने आपको दिखाए थे उन सब का मैंने ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बनाया था, वो भी इसमें डाल दिया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार से कबाब स्पाइसी से तैयार हो जाएंगे। बड़ी इलायची और दालचीनी का पेस्ट जो पाउडर था, सॉरी, वो भी मैंने डाल दिया है इसमें। आखिर में हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमा मैंने दो अच्छे से धोकर रख दिया था। कीमा ऐड करके इसको हिला देंगे ताकि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। ये मेरा फ्रीज हुआ हुआ कीमा था इसलिए इस तरह से दिख रहा है। इसको हिला के इसको ढककर रख देंगे, दरमियानी आंच पर रखेंगे रखिएगा। और ये आपको 2 से 3 घंटे में इसका पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखें इसका इसमें अभी पानी है, अभी इसका पानी इस तरह से खुश्क हो गया। अब इसको हिला लेंगे, इसको इस स्टेज पे आपको इसको हिलाना होगा ताकि दाल नीचे से लगे ना और पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। इसमें आपको लकड़ी का चम्मच लेके अच्छे से इसको हिला लें और बिल्कुल दरमियानी आंच रखें। ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, ये देखें। और जो बाकी प्याज टमाटर और जो गरम मसाला था वो सब तो ऑलरेडी इसमें मिक्स हो चुका है। अब से आपको थोड़ी चने की दाल नज़र आ रही है, देखें फोर्स लगेगी खूब इसमें और ये चम्मच को चिपक रहा है, इसका मतलब है ये रेडी था। अब मैं डिश में निकाल के इसको पीस चुकी हूँ। आप इसको हवन दस्ता सिल पर पीस लें या चॉपर में पीस लें, मैंने इसको हवन दस्ते से पीस लिया था। अब इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है। आप मेरी रेसिपी देखें चिकन शामी कबाब की, उसमें मैंने इस हरे धनिए के साथ साथ बारीक बारीक प्याज और हरी मिर्चें भी डाली है, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाली, थोड़ा चेंज के लिए मैंने इसमें से हरा धनिया डाला है। अब मैं इसको शेप दे दूंगी। ये देखें मैंने इसको शेप दे दी है। आप चाहें तो एक कच्चा अंडा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस वक्त अंडे की कोटिंग ऊपर करूँगी, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। मैंने चिकन शामी कबाब को क्रम्स भी लगाया था, लेकिन यहाँ मैं इसको क्रम्स नहीं लगा रही, आप चाहें तो क्रम्स लगा सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ स्लो फ्लेम पे, इसको बिल्कुल करना है हल्की आंच पे।
बहुत तेज़ आंच नहीं रखिएगा वरना ये जल्दी जल्दी ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से वो मज़ा नहीं देंगे। इसको बिल्कुल नॉर्मल आंच पे इसको फ्राई करें, कलर अपनी मर्जी से दे दें, लाइट गोल्डन, डार्क गोल्डन, ब्राउन, जो आपके आपको पसंद हो। ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाए ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसका आप बर्गर बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, रोल बना लें या सैंडविचेस बना लें। इसके आप बहुत चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे तो बहुत शौक से भी खा लेंगे, ख़ास तौर से सैंडविचेस और बर्गर में। ये देखें कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, ये रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। आप जो केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, बन के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करता है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।